आपकी होगी कि नहीं होगी नहीं मालूम, लेकिन इतना मालूम है कि सत्ता आपके बगैर नहीं होगी। बात समझ रहे हैं ना? तो छह जातियां जब जोड़ी, भाई प्लस पिलर तो हो गया शेड्यूल कास्ट में जाटव चमार, और उसके साथ थोड़ा भगेल पाल जोड़ा, थोड़ा कुशवा जोड़ा, थोड़ा कुर्मी जोड़ा, थोड़ा 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 करके जोड़ा, तो हम 31% वोट प्राप्त कर गए 2007 के चुनाव में, और स्पष्ट बहुमत में हम सरकार बनाने में कामयाब हो गए। ये मैंने एग्जाम्पल एक उदाहरण पेश किया है, यही फार्मूला हमें पूरे देश में लाना था, तो ये फार्मूला अब हमें राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से इसको हमें मजबूत करना है, अर्थात बहुजन समाज की दूसरी जातियों में भी हमें एकता के बीज बोने हैं, उनको भी एक सूत्र में जोड़ने के लिए हमें काम करना है। समझ रहे ना मेरी बात? अगर कामयाब आंदोलन चलाना है तो सफलता की ओर जाना है, और केवल तिरसण पंचशील करना है तो करते रहिए, 70 वर्ष पहले से हमारे सीनियर साथी भी कर रहे हैं, हम लोग भी करते रहेंगे, ये काम करना है। पांचवा है आर्थिक उन्नति की ओर समाज को मोड़ना, क्योंकि किसी भी समाज के चार पिलर होते हैं, किसी भी समाज को अगर आपको सशक्त और मजबूत और ताकतवर बनाना है तो चार पिलर आपको तैयार करने होंगे। पहला पिलर है धार्मिक शक्ति, अपनी संस्कृति को ताकतवर बनाना। दूसरा पिलर है राजनीतिक सत्ता को प्रभावित करना या उसे हाथ में लेना, वहां तक पहुंचना। तीसरा पिलर है सामाजिक एकता को बहुत मजबूत खड़ा करना। और चौथा पिलर है आर्थिक संसाधनों पे अपना कब्जा करना। यही है ना? समाज के लिए मैं एक उदाहरण आपको दे देता हूं। सिखों की आबादी कितनी होगी पूरे भारत में? लगभग 2% मान लेते हैं, ठीक है? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की आबादी कितनी होगी दोनों की मिला के? लगभग आज की तारीख में 30% है, लेकिन 1931 की जनगणना पे भी हम मान लेते हैं तो भी 22.5% है। समझ रहे हैं? सिखों की आबादी कितनी? 2% ज्यादा से ज्यादा मैंने कर दी है, 1.5%, ठीक। हमारी आबादी कितनी? 20% से ज्यादा है ना, पक्का? अच्छा एक बात बताओ, आपने कभी न्यूज में पढ़ा, कानों से सुना कि किसी सिख की बहन बेटी के साथ बलात्कार हुआ है? किसी सरदार सिख की बहन बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है या जाति के आधार पर बलात्कार हुआ है, कभी सुना? ये है सामाजिक शक्ति, सामाजिक ताकत। समझ रहे हैं? संख्या जरूर कम है लेकिन एकता इतनी मजबूत है कि 1000 लोग भी एक सरदार को पकड़ लेते हैं ना चारों तरफ से, तो अकेला सरदार फोन निकाल के कहता है ठस्सी खा पुत्र, गुरुद्वारे फोन लगा देता है। 1000 लोगों को कहता है जरा रुक जा, थोड़ा सा रुक जा, ठस्सी खा पुत्र, और गुरुद्वारे फोन लगा देता है, और गुरुद्वारे से मेटाडोर भर के और तलवार लेकर चली आती है, वाहेगुरु दा खालसा वाहेगुरु दी फतेह। होता कि नहीं होता? गलत कर रहा हूं मैं? समाज को भी अगर हमें अन्याय अत्याचारों से मुक्त करना है तो बिल्कुल इसी तरह से उनको मिलिट्री की ट्रेनिंग देकर मार्शल कौम के रूप में खड़ा करना पड़ेगा। इसका मतलब है सामाजिक एकता को मजबूती की ओर तैयार करना। गलत कह रहा हूं मैं? आर्थिक उन्नति, जिस रेशियो से हमारे देश में सरकारें काम कर रही हैं, यदि ये रेशियो चलता रहा चलता रहा चलता रहा तो आप कोरे कागज पे लिख लीजिए 20 साल के बाद कलेक्टर एसपी तो छोड़ो, चपरासी बनाना भी मुश्किल हो जाएगा। रिजर्वेशन के माध्यम से जो हमारे कुछ लोग पहुंच गए थे वहां तक,
अब बड़े पैमाने पर उनको बैक गेट डाल दिया गया है। धीरे 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 हर विभाग का आप RTI लगाकर मांग लीजिए, हर विभाग की न्यूज मांग लीजिए। प्रत्येक वर्ष संख्या घट रही है, वकील साहब घट रही है ना, घट रही है ना, प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हैं। जितनी वैकेंसी खाली हो रही है भर्ती नहीं हो रही, प्राइवेट सेक्टर को देते जा रहे हैं। अभी तो प्राइवेट सेक्टर को दे रहे थे, अब तो सेक्टर ही प्राइवेट को दे रहे हैं। निजीकरण जो हो रहा है, मतलब अभी तक ऐसे हो रहा था कि जैसे रेलवे है, रेलवे में फोर्थ क्लास के कर्मचारी होते, कंबल लगाते, चादर लगाते करते हैं ना, तो पहले गवर्नमेंट के होते थे, वो हटा दिए, वो रिटायर हो गए, तो उनमें कॉन्ट्रैक्ट पे ले लिए, ठेके पे दे दिए। अब तो रेल को ही बेच रहे हैं, प्लेटफॉर्मों को ही बेच रहे हैं। तो इस हालत में हमको आर्थिक उन्नति की ओर काम करना है। कैसे काम करना है, बड़ा सवाल यह है कि हम करेंगे कैसे, पैसा कहां से आएगा। बड़ी समस्या तो पैसा है ना, तो उस पे हमने C2C पे बड़ा अध्ययन किया है। C2C क्या है? सी माने कंपनी, टू माने कस्टमर। C2 कंपनी, टू कंज्यूमर, समझ गए आप? अभी तक व्यवस्था क्या है हमारे देश में, निर्माण हम करते हैं, बीच का व्यापारी खरीदता है जो हमारा कंज्यूमर नहीं है, फिर वो उसको खरीद के मोटे दामों में मोटा मुनाफा कमाकर वो हमको ही बेचता है। हम ही निर्माता हैं, हम ही उपभोक्ता हैं, लेकिन मोटा प्रॉफिट बीच वाला बंदा खाता है। खाता है कि नहीं खाता, एक एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूं आपको। कोई भी चीज जो भारत में बनती है उसका जिसका प्रोडक्शन होता है, कंपनी जो बनाती है, वारंटेड जिसे कहते हैं ना, वारंटेड वारंटेड चीज, उसकी वारंटेड चीज की सबसे ज्यादा कॉस्टिंग 30% आती है। यानी कोई 100 रुपए की चीज जो आपको मार्केट में मिलती है उसकी अधिकतम अधिकतम जो कॉस्टिंग आती है वो 30 रुपए आती है, इससे ज्यादा नहीं आती। आयुर्वेदिक में जो बनाते हैं ना औषधियों में, उसकी तो 10-12% ही आती है बस, केवल बाकी दूसरी चीजों की 30% से ज्यादा नहीं आती। तो ये 70% प्रॉफिट जाता कहां है? तो 20-25% तो जाता है मीडिया पे, पब्लिकिटी पे, ठीक है। 5 स्केल हैं उसमें। पहला स्केल जिस कंपनी ने बनाया उसने एक होलसेलर को दे दिया, उसका प्रॉफिट आ गया। फिर उसने स्टेट वाइज अपनी फ्रेंचाइजी दे दी, एक प्रॉफिट उस पर चला गया। फिर उसने कमिश्नर वाइज अपनी फ्रेंचाइजी दे दी, एक प्रॉफिट उस पर चला गया। फिर उसने एक डिस्ट्रिक्ट वाइज अपनी एजेंसी दे दी, एक प्रॉफिट उस पर चला गया। फिर उसी के व्यक्ति ने फुटकर बेचा तो फिर उस पर प्रॉफिट चला गया। वो चीज बनी हमारे यहीं थी, हमारे लोगों ने ही बनाई, बहुजन समाज के लोगों ने बनाई, और उसका उपयोग भी हमको ही करना है। लेकिन 70% उसका मार्जिन बीच के दलालों में चला गया। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात को? ये मेरा एक मोटा सा आंकलन है, थोड़ा बहुत कम हो सकता है आगे पीछे। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? सवाल खड़ा होगा, पैसा कहां से आएगा? तो मैंने इसके लिए अध्ययन और चिंतन किया, और वो चिंतन क्या किया कि हम स्कूटर मोटरसाइकिल नहीं बना सकते, उसके लिए बहुत पैसा चाहिए, लेकिन हम स्कूटर मोटरसाइकिल का टायर बना सकते हैं, हम उसका ट्यूब बना सकते हैं, हम उसका कवर बना सकते हैं, बना सकते हैं ना, हम शैम्पू बना सकते हैं, हम साबुन बना सकते हैं, हम चाय की पत्ती बना सकते हैं, हम आटा बना सकते हैं, जितनी चीजें हम बना सकते हैं हमारे लोग बनाते हैं। तो उनके जो बनाते हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, सपोर्ट करना है। और बाकी एक एग्जाम्पल छोटा सा देके मैं बता देता हूं। 500 लोग मिल गए,
500 लोगों ने एक ग्रुप बना लिया, एक कंपनी बना ली, और 500 लोगों ने एक एक लाख रुपया लगाया। कितना इन्वेस्ट किया? एक एक लाख। कर सकते हैं ना, कोई बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। कितने रुपए हो गए? 5 करोड़। 5 करोड़ हो गए ना, तो 5 करोड़ में हम जय भीम चाय की पत्ती तो बना सकते हैं, नहीं बना सकते? जय भीम चाय की पत्ती। और हम संकल्प लेंगे, चाहे कहीं मिले हम चाय बनाएंगे तो जय भीम चाय की पत्ती से ही बनाएंगे। गलत कह रहा हूं? मतलब एक एग्जाम्पल कह रहा हूं। तो जो हमारा यूथ निकल के आ रहा है, हजारों लाखों की संख्या में हमारे बेटे बेटियों ने MBA किया है, और MBA करने के बाद वो 10,000-15,000 की नौकरी पे उसी उद्योगपति की ऑफिस में नाक रगड़ते हैं। रगड़ते कि नहीं रगड़ते? तो ऐसे अपने बच्चों को हम रोजगार भी दे देंगे, अपने लोगों को हम लोग जैसे 10-15 आइटम हमने ऐसे बना लिए और एक एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक हमने स्टोर खोल दिया, फ्रेंचाइजी दे दी कि भाई आप ले लो, 7%, 8%, 10% आपका कमीशन, और होम डिलीवरी दो। तो छोटे छोटे से फिर जो हमारे लोग जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे मैं आगरा का आदमी हूँ, आगरा में हम लोग जूता बनाते हैं, बहुत अच्छा जूता बनाते हैं। हम जो अच्छा जूता बनाते हैं उसकी सबसे ज्यादा कीमत है 500 रुपये, और जब उसी को हम टाटा वाटा पे खरीदते हैं, लिबर्टी पे खरीदते हैं, तो वो हमें 6,000 का मिलता है। मतलब बना हमारी फैक्ट्री से है, हमने उसको 5,000 का, अधिकतम टॉप का जूता हो गया 5,000 का, बेचने वाले का नाम बहुत बड़ा होता है कि भाई उसका सबसे महंगा प्रोडक्ट है, समझ रहे हैं आप, लेकिन वही हमें 4-5 हजार का मिलता है। तो इस किस्म की भी हमें एक, जो विशेषज्ञ लोग हैं उनकी एक टीम बनाकर, उन्हें एक टीम बनाकर हमें सरकारी नौकरियों के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। लग जाए तो अच्छा, मिल जाए तो अच्छा, कोशिश करते रहिए, लेकिन धीरे धीरे करके हम ये काम कर सकते हैं। और ये बात मुझे माननीय काशीराम साहब ने बताई थी, 2 मार्च 1989 को साहब आगरा आए, तेज सिंह कैन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर थे, उनके घर रुके रात को। मैंने उनसे ये कहा साहब को 12 बजे रात के, मैंने कि साहब हम ऋण मुक्ति आंदोलन चलाना चाहते हैं। ऋण मुक्ति आंदोलन अर्थात 2,000-2,500 हमारे लोगों पे कर्जा था, रिकवरी निकल गई थी और अमीन रोज पकड़ पकड़ के ले जाते थे। तो हमने कहा कि साहब से अनुमति मांगी, तो साहब ने एक निवाला था वो नहीं खाया और थाली में ही रख दिया, और मुझसे बोले कि किसी का लेकर ना देना अच्छी बात है। क्या बोले साहब? किसी का लेकर ना देना अच्छी बात है। मैंने कहा नहीं साहब। बोले बुरी बात है? मैंने कहा हाँ साहब। तो क्या तुम लोगों को बुरी बात सिखाना चाहते हो? मैं लोगों को हुक्मरान बनाना चाहता हूँ और तुम लोगों को बेईमान बनाना चाहते हो। फिर उन्होंने बताया 1947 कि 1947 में जब पार्टीशन हुआ पाकिस्तान का और इंडिया का, तो लाल कृष्ण अडवाणी का नाम उन्होंने कोट किया उस वक्त, कि लाल कृष्ण अडवाणी भी वहाँ से भाग के आया था पाकिस्तान से, और ये जितने लोग भाग के आए थे ये सब चॉकलेट बेचते थे, गोलियाँ बेचते थे, इनके पास कुछ नहीं था। चॉकलेट बेच बेच के, गोली बेच बेच के सरकारों ने इनको हेल्प किया और आज ये सबसे बड़े उद्योगों के मालिक बन गए हैं। ऐसा कांशीराम साहब ने कहा मुझे, समझ रहे नहीं आप लोग? मुझे वो बात आज तक याद है। तो उनकी भी सोच थी इस पे काम करने की। साहब के साथ जो लोग रहे होंगे वो जानते हैं कि साहब इस पे भी चिंतित रहते थे कि आर्थिक मुक्ति आंदोलन को भी हमें एक दिन इस देश में खड़ा करना है, हमें सरकार की वैसाखियों के सहारे ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहना है, हमको समाज को भी सेल्फ तैयार करना है। तो इस किस्म के आंदोलन, इस किस्म की विचारधारा को भारत में हम ताकत दें, भारत में उसको मजबूत करें, यही राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का उद्देश्य है।
और महाकारुणिक भगवान गौतम बुद्ध का जब आप उनका बाकी 45 वर्षों का जीवन संघर्ष पढ़ोगे, त्रिपिटक मत पढ़ना, त्रिपिटक में बहुत मिलावट हो गई है, बुद्ध और उनका धम्म पढ़ना जिसको बाबा साहब ने लिखा है। बाबा साहब पे भरोसा है ना, या कोई डाउट? मुझे लगता है बाबा साहब पे तो कोई डाउट होगा नहीं। तो बाबा साहब ने जो बुद्ध और उनका धम्म लिखा है उसे अगर आप पढ़ेंगे तो 45 वर्ष तक जो बुद्ध का आंदोलन है वो आध्यात्मिक आंदोलन नहीं है, वो पूजा पाठ का आंदोलन नहीं है, वो केवल और केवल समता, स्वतंत्रता, वंदुता, न्याय पर आधारित समाज निर्माण का ही आंदोलन है। समझ रहे ना मेरी बात? राजनीतिक गैर बराबरी, सामाजिक गैर बराबरी, आर्थिक गैर बराबरी के विरुद्ध ही बुद्ध का आंदोलन है, लेकिन हमारे देश में उसको केवल पूजा पाठ तक सीमित कर दिया है। तिरस्करण करना, पंचशील करना, अष्टावक्र करना, त्रापाठ करना, ये खाना, ये नहीं खाना, ये पीना, ये नहीं पीना, डेक्सोल खत्म, यहीं तक सीमित कर दिया है ना। तो इससे ऊपर उठ के हमें काम करना है, यही राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।